इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नतीजे का ऐलान 9 फरवरी की रात 1 बजे करने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS का तजर्बा किया जाएगा, जिसके तहत मुल्क भर से नतीजे इलेक्शन कमीशन को मौसूल होंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बिलाखिर बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का जवाब आ गया। कहा, गाली और गोली की सियासत भुट्टो ने मुतारिफ करवाई, बिलावल इनके जानशीन साबित हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने एक्स काउंट पर कहा कि चंद माह पहले तक वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ से बहुत कुछ सीखने के दावे करने वाला बिलावल बाजारी जबान पर उतर आया है। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि इमरान खान 3.5 साल अपने बच्चों से इसलिए नहीं मिले क्योंकि बुशरा बीबी ने इन्हें कहा था कि ये बच्चे मनहूस हैं। इमरान खान अपनी बहनों के बारे में जो कहते थे वो बता नहीं सकते। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज से 10-12 साल कबल एक जमात में नेक नीयती से शमूलियत की, हमने नए पाकिस्तान के लिए दिन रात एक किया था। वफाकी हुकूमत की फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसीक की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा।